तो चलिए आज के हम इस वीडियो में आप लोग को कीव रूट निकालना बहुत ही इजी तरीका से बताएंगे। आप लोग मात्र विद इन सेकेंड के अंदर निकाल सकते हो बहुत ही इजी तरीका से। देखो कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम आपको निकाल करके दिखाते हैं कि इतना फास्ट भी निकाला जा सकता है। जैसे वही क्वेश्चन सेम जो क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं और यहाँ पर पहले हम बना करके दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन इतना है ना, 57, 17, 87, इसका जानते हो कितना हो जाएगा क्यूब रूट, इसका हो जाएगा 83, ठीक है। और 91, 125, इसका हो जाएगा 45। ये 17, 28 है, इसका हो जाएगा 12। 14, 81, 544 है, इसका पता है क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ी है लेकिन इसको भी हम बहुत फास्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 114। और ये 21, 952 है, इसका हो जाएगा 28। इतना फास्ट आप भी कोई भी क्यूब रूट निकाल सकते हो, घनमूल निकाल सकते हो। कैसे, अब चलो आपको हम समझाएंगे और आज के बाद इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो जितना हम फास्ट बनाए हैं ना आप भी निकाल सकते हो। चलो दिखाते हैं कैसे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनाए हैं वहीं मिला लो, सेम क्वेश्चन यहाँ भी रखें ताकि आपको समझाएं भी एक बार, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये जो क्यूब है 1 से लेकर के 10 तक आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 10 तक क्यूब आपको यदि याद है तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे को 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, मतलब ये तो सबको याद रहता ही रहता है, मैं फिक्स जानता हूँ, ठीक है। तो इसी के मदद से आप किसी का भी घनमूल बहुत फास्ट निकाल सकते हो। चलो बताते हैं कैसे। देखो जैसे हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, 57, 17, 87 का घनमूल निकालना है, ठीक है। इसको निकालने का देखो बेहद ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 डिजिट ले लेंगे, 3 डिजिट ले लिए, ठीक है, शुरू के 3 डिजिट लेंगे। अब 3 डिजिट लेने के बाद चेक करेंगे क्या है, 787 है, तो इसके अंत में क्या आ रहा है, 7, इसके अंत में क्या आ रहा है, 7, इकाई में क्या है, 7 है ना, तो इसमें देखेंगे 7 किस में आ रहा है, ठीक है। तो 7 देखो यहाँ पर आ रहा है, 7 आ रहा है ना, तो ये हम 3 को लिख लेंगे यहाँ पर, इस 3 को लिख लेंगे। एक बार फिर से समझो, पहले 3 डिजिट लेंगे और उसमें पहला अंक देखेंगे क्या है, 7 है, 7 है तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 1 से 10 तक जो क्यूब है उसमें चेक करेंगे, 7 कहाँ पर है, यहाँ पर 27, यानी 7 आ रहा है, यानी इसको हम लिख लेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 को ले लिया। अब बच गया 571। अब 571 जो बच गया उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि 571 इसमें कहाँ है। देखो तो 571 चाहिए और इसमें 512 है, 729 है, 571 तो है नहीं, तब कैसे क्या करेंगे, देखो उसके लिए क्या तरीका है, 512 से बड़ा होता है 571 और 729 से छोटा होता है, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। जब हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में आएगा तो इसमें सिर्फ जो छोटा रहता है उसको लेंगे, तो छोटा क्या है, 8 होला 512 है, तो इस 8 को हम ले लेंगे। और ये देखो 83 हमारा इसका घनमूल भी हो गया। अभी तो हमको बनाने में इतना वक्त लग गया आपको समझाने में, लेकिन यदि हमको बनाने के लिए रहता स्टार्टिंग में, देखो ना, देखे ना आप कितना फास्ट हम बना दिए, उतना ही फास्ट आप भी बना लोगे, बस 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। अभी सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन है 91, 125 है, तो इसमें क्या करेंगे, शुरू के 3 को अंक लेंगे, ले लिए, अंत में इकाई अंक क्या है, 5, तो इसमें 5 हम खोजेंगे कहाँ पर है, 5 5, देखो 5 125 यानी 5 यहाँ मिल रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं, तो हम 5 को क्या किए, लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, 91 91, हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कहाँ पर है, तो 91 तो कहीं है नहीं, तो कहाँ मिलेगा 91, 64 से बड़ा होता है 91 और 125 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, 125 से क्या होता है, छोटा होता है, तो कहाँ मिलेगा, 64 और 125 के बीच में मिलेगा 91, यानी हम आपको बताए हैं कि इसके और इसके बीच में जब मिलता है इन दोनों में जो छोटा रहता है उसी को लिखाता है, लिखा जाता है, तो 64 है, 64 के लिए क्या लिख लेंगे, 4, तो देखो ये हो गया 4, यानी इसका जो घनमूल होगा वो 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एक छोटा सा है 17, 28, तो शुरू का हम क्या करेंगे, 3 अंक लेंगे, यानी 8 8, इसमें देखेंगे कहाँ पर मिल रहा है, 8 इसमें कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पर 8 के लिए क्या ले लेंगे, 2, हमने लिया 2। अब बच गया सिर्फ 1 1, कहाँ पर मिलेगा, 1 के लिए तो 1 ही में मिलेगा,
तो हम लिख लेंगे एक, इसका हो गया 12। अब यहाँ देखो ये सबसे बड़ा नंबर है, 1481544 है। इसके लिए क्या करेंगे, शुरू का पहले क्या करेंगे, तीन डिजिट ले लेंगे। तीन डिजिट में पहला इकाई क्या है, चार। हम इसमें चार खोजेंगे, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर 64 में चार मिल रहा है, यानी हम इसको ले लेंगे, चार है तो चार ले लिए। अब क्या बच गया, 1481। अब 1481 बच गया तो कहाँ पर खोजेंगे, खोजो एक से दस तक खोजेंगे तो एक से दस तक एक ही हजार होता है, और ये है 1481। तो जब बड़ी बड़ी नंबर आता है तो आपको 10 से भी आगे जाना पड़ता है, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है इतना बड़ा बड़ा घनमूल, ठीक है ना। 10 से ही तक, 10 ही अंक, 10 ही क्यूब तक आपको, मतलब 10 क्यूब तक पूछा जाएगा, इससे बड़ी नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम एक ट्राई के लिए, प्रैक्टिस के लिए ले लिए, ताकि आपको ये आ जाए तो कैसे बनाना होगा, ठीक है। तो 1481 आ गया, यानी ये तो 10 तक एक ही हजार होता है, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इसको और बढ़ा लेंगे। 11 का इतना होता है, 12 का इतना होता है, लेकिन 11-12 तक ही में 1481 आ जाएगा। कैसे, ट्राई करो, 1481 यानी 1331 से बड़ा, और 2728 से क्या होता है, छोटा। 1481 जो है इससे बड़ा और इससे छोटा होता है, तो हम इन दोनों में कौन लेंगे, छोटा वाला। तो क्या है, 11, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 11, हो गया। अब ये देखो 21952, तो तीन डिजिट ले लेंगे। अब इसमें दो है, तो दो के लिए कहाँ चेक करेंगे, इसमें दो कहाँ मिल रहा है, इसमें दो 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 यहाँ मिल रहा है, यानी इसको 8 ले लेंगे, ये हो गया 8। अब बच गया आपका कितना, 21। 21 कहाँ मिलेगा, 21 देखो 8 से बड़ा है 21, 27 ले छोटा है, इन दोनों में जो छोटा रहता है उसी को लेते हैं, तो दो है, 8 है ना, तो 8 के लिए छोटा है 2, तो यहाँ पर ले लेंगे 2। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कितना भी बड़ा घनमूल हो, आप बहुत ही स्ट्रिक से इजी तरीका से बना सकते हो, बशर्ते आपको बस क्यूब A1 से लेकर 10 तक याद होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% सभी बच्चों को क्यूब याद हो जाता है लगभग 7-8 क्लास तक जाते जाते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से यदि आप बनाते हो तो आप विद इन सेकेंड के अंदर बना सकते हो बहुत फास्ट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के सभी पास शेयर कर देना, ठीक है। सभी को प्रॉफिट होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि घनमूल निकालने में बहुत सारे बच्चे को टाइम लगता है, लेकिन इस ट्रिक को यदि जान जाते हो आप बहुत फास्ट बना सकते हो, और आपको हम प्रूफ भी दिखा दिए आज, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।